और ये इंक्रीज हो, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फिर क्या होगा, फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, बराबर है, फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, ट्रेडिशनल प्रोसेस कैसे चलती आ रही है पहले से, हम जो सीड फील्ड में लगाते हैं, राइस हो वीट हो, बराबर है, वो सीड लगाने के बाद हम क्या करते हैं जनरली, वो लगाते हैं, फिर फील्ड में क्रॉप प्रोडक्टिविटी मिलती है, फिर से वो हम क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं, वही सीड स्टोर करके रखते हैं अगले साल के लिए, बराबर है। तो ये जो है ये प्रोसेस होती है ट्रेडिशनल, मतलब वही सीड हम लगाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होगी लेकिन डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी। जैसे फूड की डिमांड बढ़ेगी वैसे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी हमें इंक्रीज करनी होगी, और प्रोडक्टिविटी मतलब वहां पे क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेनिंग सभी कंपोनेंट उस सीड में चाहिए, बराबर। तो ये सीड अगर हमें बनानी है माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेनिंग, तो वो ट्रेडिशनल प्रोसेस ये अपनी फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नहीं। तो हम क्या करते हैं, उस वेराइटी को विद हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उस वेराइटी को ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, मतलब विद हेल्प ऑफ पर्टिकुलर प्रोसेस से जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है उनसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल राइस वीट, बराबर है, कुछ सीरियल्स भी होते हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, उस प्लांट में हम क्या करते हैं मॉडिफिकेशन करते हैं, कॉर्न पोटैटो वीट राइस, इस प्लांट में हम क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से मॉडिफाइड करते हैं। अब मॉडिफाइड करते मतलब करते क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट, अभी ये एग्जाम्पल लिया, ट्रांसजेनिक मतलब जीन के लेवल पे उसे मैनिपुलेट कर, डीएनए के लेवल पे उसे मैनिपुलेट करेंगे। डीएनए के लेवल पे मैनिपुलेट कैसे करेंगे हम, यहाँ पे अगर कोई डिफेक्टिव जीन अगर उस प्लांट के डीएनए में अगर है तो वो डिफेक्टिव जीन हम निकाल दें, बराबर, मैनिपुलेट कर दें, बराबर, मतलब उसका जो ड्यूरेशन है ग्रोथ रेट जो है वो फास्ट होना चाहिए, प्लांट की हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, लेस ड्यूरेशन में प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी वहां पे मिलनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड वेराइटी वहां पे बननी चाहिए, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर वहां पे हमें यूज नहीं करना चाहिए, मतलब उस फील्ड के ऊपर जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब हाई न्यूट्रिएंट कंटेनिंग वेराइटी शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे होगी वो हम क्या करते हैं, उसके डीएनए का स्ट्रक्चर हम आइडेंटिफाई करते हैं, बराबर, और उस डीएनए में अगर कोई डिफेक्टिव पार्ट है तो उस डीएनए का रेट मतलब उस प्लांट में जो ग्रोथ रेट है इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा जीन वहां पे हम इंसर्ट करते हैं। जैसे अभी ये एग्जांपल मैंने दिया था, सेम एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट हम बना सकते विद हेल्प ऑफ दैट प्रोसेस। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया है प्रोड्यूस वॉज टोबैको, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा है टोबैको, मोर देन 60 ट्रांसजेनिक डाइकॉट प्लांट एंड सेवरल मोनोकॉट प्लांट लाइक मेज कोर्स, काफी सारे डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट बनाए हैं, दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट, लेकिन सबसे पहले कौन सा है, दैट इज द टोबैको, कौन सा प्लांट है यहाँ पे टोबैको, दैट इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ये टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, मतलब जिसके वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हुई है बढ़ी है, और यहाँ पे काफी सारे प्लांट्स बनाए हैं, दैट इज मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट, फॉर एग्जाम्पल मेज ओट राइस वीट आर नोन टू टोमेटो सोयाबीन पोटैटो शुगर बीट ग्रेप्स ब्रिंजल कॉटन आर द अदर ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट आर बींग लुक अप एज बायोरिएक्टर फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मिंग फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉवेल ड्रग लाइक इंटरफेरॉन। ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज होता है
वहां से हम क्या कर सकते हैं, ड्रग भी आइसोलेट कर सकते हैं। कौन से ड्रग, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ड्रग जो है, इंटरफेरॉन, एडिबल वैक्सीन, एंटीबॉडीज, अमीनो एसिड्स, देन इम्यूनोथेरेपिक ड्रग, इम्यूनोथेरेपिक ड्रग या प्रोटीन हम आइसोलेट कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट से, और जहां पे यूज होता है वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते। मतलब यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट एग्जैक्ट होता क्या है, एक प्लांट है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया था पार्थेनियम प्लांट, कांग्रेस ग्रास, गाजर गवर, बराबर। इस प्लांट से हम क्या करते हैं, इस प्लांट से जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है, बराबर, ये कौन सी वेरायटी है, डिजीज रेजिस्टेंट वेरायटी, इस प्लांट से डिजीज रेजिस्टेंट जीन हम आइसोलेट करते हैं। कौन सा जीन आइसोलेट करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट करेंगे और हेल्दी प्लांट मतलब राइस प्लांट में इंसर्ट करेंगे, दैट इज द ट्रांसजेनिक, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट। ये प्रोसेस है ट्रांसजेनिक प्लांट फॉर्मेशन की। देन उसके बाद नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट। अब एडवांटेजेस क्या है, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट अब बना रहे हैं, उसके एडवांटेजेस कौन से है, ये एडवांटेजेस कौन से हो गए, एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट एडवांटेजेस। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, फर्स्ट एडवांटेज कौन सा है, इंसेक्ट बेस्ड रजिस्टर, कौन सा है, इंसेक्ट बेस्ड रजिस्टर। अब इंसेक्ट बेस्ड रजिस्टर मतलब होता क्या, दैट इज द फार्मर जब फील्ड में कोई प्लांट अगर लगाता है, सीड अगर लगाता है, प्लांट नहीं लगाता लेकिन सीड लगाता, बराबर, सीड लगाने के बाद जैसे प्लांट ग्रो होगा वैसे ग्रो होने के बाद उसकी जैसे हाइट बढ़ेगी, पर सडनली अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, चेंज होने के बाद क्या होगा, वो जो प्लांटलेट है या प्लांट है न्यूली फॉर्म प्लांट, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने की वजह से वहां पे डिफरेंट इंसेक्ट अटैक करने लगे उस प्लांट को। अगर इंसेक्ट अगर अटैक करते तो वो प्रोडक्टिविटी मतलब उसको उसके जो लीफ है उस लीफ को डिस्ट्रॉय करेगी, लीफ को अगर डिस्ट्रॉय करेगी तो क्या होगा वहां पे, लीफ को अगर डिस्ट्रॉय करते तो क्या होगा वहां पे, लीफ जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो गए तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहां पे प्लांट की ग्रोथ होगी क्या, फूड ही नहीं मिलेगा प्लांट को, ग्रोथ होगी क्या, नहीं। उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, प्रोडक्टिविटी को। फिर फार्मर को क्या करना पड़ेगा, वो इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करेगा तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी मतलब नॉर्मल कंडीशन में होगी, लेकिन जितनी चाहिए उतनी होगी क्या, नहीं। उस फील्ड में कॉस्ट भी बढ़ेगी, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, उस फार्मर को लॉस होगा, बराबर। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, ये सीड हम बनाते हैं, कौन से, बैसिलस थुरिंजियनसिस, बीटी कॉटन, इससे पहले भी हमने ये देखा है, बीटी कॉटन क्या है, ये बीटी कॉटन क्या है, ये हमने पहले देखा है, अब बीटी कॉटन क्या है ये हम देखेंगे, बैसिलस थुरिंजियनसिस, दैट इज द बीटी, अब ये बीटी कॉटन, ये पता होगा आपको बीटी कॉटन अपने यहाँ पे फील्ड में ज्यादा ये यूज होता है, तो ये जो वेराइटी है ये मैक्सिमम कंडीशन में यूज होती है, बराबर। बीटी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, बैसिलस थुरिंजियनसिस, ये क्या है, बैक्टीरिया, क्या है ये, बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल दिया, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सॉइल में प्रेजेंट है, कहाँ पे, सॉइल में, सॉइल में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा जीन होता है, दैट जीन इज नोन एज, उस जीन को बोलते हैं क्राइजीन, कौन सा जीन, क्राइजीन, क्राई नाम का एक जीन होता है, बराबर, उस जीन को नाम दिया है क्राई, दैट क्राइजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की पोटेंशियल एबिलिटी, ये जो है क्राइजीन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्राइजीन इनएक्टिव फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है, मतलब ये क्राइजीन तो होता है, उस क्राइजीन की वजह से यहां पे प्रोटॉक्सिन, क्या फॉर्म होगा, प्रोटॉक्सिन, ये प्रोटॉक्सिन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म करेगा क्राइजीन, ये क्राइजीन ये प्रोटॉक्सिन फॉर्म करता है, कहां पे, बैक्टीरिया, बराबर। अब ये प्रोजीन, ये प्रोटॉक्सिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्मेट में रहता है, कौन से, इनएक्टिव,
इनएक्टिव फॉर्म में, बराबर। तो इस बैक्टीरिया से, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में कौन सा जीन है? क्राइजीन। ये हम क्राइजीन आइसोलेट करते हैं, फिर वो कहां पे इंसर्ट करते, दैट क्राइजीन फ्रॉम बैक्टीरिया इंसर्ट इन कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट पे इंसर्ट करते हैं। सीड, कॉटन सीड जो होती है वो बीटी होती है, बीटी कॉटन मतलब वो सीड पे इंसर्ट करते, बराबर। फिर वो सीड यहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया से क्राइजीन अगर कॉटन सीड पे इंसर्ट किया तो क्या होगा, वो जीन यहाँ पे चला जाएगा कॉटन प्लांट, बराबर। मान लो फिर फील्ड में अगर वो बीटी सीड कॉटन प्लांट की सीड यहाँ पे अगर लगाते हैं, बराबर, फील्ड में अभी लगा, बाद में यहाँ पे क्या होगा, इससे प्लांटलेट अराइज होगा, लाइक दैट ये प्लांटलेट वहां पे अराइज होगा, फिर ये ग्रो होगा। ग्रो होने के बाद मान लो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगी, फिर इंसेक्ट एक्टिव हो गए। इंसेक्ट क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गए तो इंसेक्ट क्या होता है, इस ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, इस प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ये अटैक करेगा, इंसेक्ट जैसे ये अटैक करेगा, इसका पीएच बढ़ेगा, ये इंसेक्ट सलाइवा से जैसे ये इंसेक्ट अटैक करेगा इस प्लांट को, इसका पीएच, और यहाँ पे एक एंजाइम सीक्रेट होता है, दैट एंजाइम इज नथिंग बट द प्रोटीनेज, प्रोटीनेज प्लस पीएच प्लस प्रोटीनेज, ये एंजाइम यहाँ पे एक्टिव होगा, यहाँ पे पीएच भी इंक्रीज होगा और यहाँ पे प्रोटीनेज ये एंजाइम भी यहाँ पे एक्टिव होगा। अगर जब इंसेक्ट इस प्लांट को, बीटी कॉटन के प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जैसे ये इंसेक्ट इन्फेक्ट करेगा वैसे ये पीएच बढ़ेगा और ये प्रोटीनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा। अब ये जो क्राइजिन जो सिक्रीट करता था, दैट इज द प्रोटॉक्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्मेट में था, वो एक्टिव हो गया। एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि इसका पीएच बढ़ गया, प्रोटीनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया, इसका पीएच बढ़ने की वजह से ये एक्टिव होगा। एक्टिव जैसे होता है ये, तो ये प्रोटॉक्सिन इसमें कन्वर्ट होता है, दैट प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट इनटू टॉक्सिन, टॉक्सिन इफेक्ट होगा। फिर ये टॉक्सिन, ये टॉक्सिन है, ये टॉक्सिक होने की वजह से जैसे ये इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है, सलाइवा से पीएच बढ़ेगा, प्रोटीनेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, ये प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, और जैसे ये टॉक्सिन में कन्वर्ट होगा, टॉक्सिक इफेक्ट जब होगा, तब ये जो लीफ है, ये इंसेक्ट है, उस इंसेक्ट के मिडगट रीजन में जैसे फूड सब्स्टेंस सब करेगा, ये फूड सब करेगा, वैसे उसके मिडगट रीजन में यहाँ पे क्या होगा, मिड गट रीजन ये ब्लॉक होता है, कंप्लीट ब्लॉक होने की वजह से ब्रीदिंग प्रोसेस क्या होती है, इफेक्ट होती है, और जैसे ब्रीदिंग प्रोसेस इफेक्ट होगी, ब्रीदिंग प्रोसेस प्रॉपर वे से नहीं होगा, ये क्या होता है, इंसेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। अब इंसेक्ट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वहां पे क्या होगा, इंसेक्ट अगर ब्रीदिंग प्रोसेस अगर प्रॉपर वे से नहीं होगी तो वो इंसेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, मतलब इस फार्मर को इस बीटी कॉटन लगाने के बाद यहाँ पे कुछ इंसेक्टिसाइड या इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, मतलब हमने ये वैरायटी डिजाइन की है, दैट्स व्हाई दैट वैरायटी इज नोन एज बीटी कॉटन। बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजिनेंसिस, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जीन क्राइजीन ये कहाँ पे इंसर्ट किया है, कॉटन प्लांट में, इसी वजह से इसे नाम दिया बीटी कॉटन, मतलब इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं दैट इज द ट्रांसजेनिक प्लांट भी हम कर सकते हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट, फर्स्ट इंसेक्ट बेस्ड सिस्टम, मतलब ये कौन सी वैरायटी हमने डिजाइन की है, इंसेक्ट बेस्ड वैरायटी हमने यहाँ पे डिजाइन की। दिस इज ओवर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जीन थेरापी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। Then we will discuss next part in next lecture.